परवेज इलाही ने फरागोगी को बचाने के लिए कौन से महकमे के सरबराह को हटा दिया? मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज इलाही ने वजीर अला पंजाब बनते ही इंतजामी उहदों में तब्दीलियां कर दी। फरागोगी के खिलाफ तहकीकात करने वाले महकमा एंटी करप्शन के डायरेक्टर जनरल को भी उहदे से हटा दिया। वजीर अला पंजाब ने डीजी एंटी करप्शन राना अब्दुल जबार और सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना को उहदों से हटाकर आईबी रिपोर्ट करने की हिदायत की है। डीपीओ जंग सरदार रियासगुल को भी पंजाब से फारिग कर दिया गया है, जबकि एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत मुस्ताफी हो गए हैं। शहजाद शौकत ने अपना इस्तीफा गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया। वाजिर है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फरागोगी पर करप्शन के इल्जाम हैं, तमाम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के दौरान बैरून मुल्क रवाना हो गई थी। फरागोगी के खिलाफ नैब और पंजाब के महकमा एंटी करप्शन में तहकीकात जारी हैं। तमाम परवेज इलाही की जानिब से डीजी एंटी करप्शन को ओहदे से हटाने पर सोशल मीडिया सार्फी ने इस इकदाम को फरागोगी को बचाने से मंसूब कर दिया है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।